हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री की प्रश्न बैंक के लेसन नंबर 16 से दो अंक वाले क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आंसर को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, किस वर्गीकरण के आधार पर वक्तव्य रेनेटिडिन प्रति अम्ल है दिया गया है। तो औषधि के फार्मोलॉजिकल प्रभाव के आधार पर वक्तव्य रेनेटिडिन प्रति अम्ल है, मतलब एंटा एसिड दिया गया है। जैसे आप समझिए कि उसका प्रभाव क्या है, उसका फार्मोलॉजिकल इफेक्ट क्या है। जैसे ज्वर कम करने के लिए एंटीपायरेटिक, अगर वो ज्वर को कम करती है तो ठीक है ना। अगर दर्द कम करती है तो एनाल्जेसिक शब्द यूज़ करेंगे। अगर वो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोककर संक्रमण को रोकती है तो एंटीसेप्टिक यूज़ करेंगे। और ऐसी दवाइयाँ जो क्या है, एसिडिटी को कम करती है तो उन्हें बोला जाता है एंटा एसिड। चूँकि रेनेटिडिन एसिडिटी को कम करता है इसलिए वो प्रति अम्ल मतलब एंटा एसिड कहलाएगा दिया गया है, ठीक है ना। जो कि किसी विशेष उपचार के लिए पूरी औषधि श्रेणी उपलब्ध कराता है, ठीक है ना। उस टाइप के जो भी औषधियाँ या जो भी केमिकल क्या करते हैं, एसिडिटी को कम कराते जाएंगे, उन सबको एंटा एसिड की कैटेगरी में डाल देंगे। जो भी ज्वर कम करा सकती बहुत सारी दवाइयाँ, जो भी केमिकल, तो उन्हें ज्वरनाशी की कैटेगरी में डाल देंगे। इस तरह से होता है। तो ये पूरी श्रेणी उपलब्ध करा देते हैं। तो ये चिकित्सकों को चुनने के लिए बहुत ही क्या होती है, काम का वर्गीकरण होता है कि वो किस बीमारी में कौन सी दवाई का यूज़ करें, किस केमिकल का। मतलब कोई भी औषधि जो अमाशय में उपस्थित अतिरिक्त अम्ल को उदासीन करने के लिए उपयोग की जाएगी प्रति अम्ल कहलाएगी। और रेनेटिडिन यही काम करता है हमारे वक्तव्य के आधार पर। हिस्टामिन क्या होता है, अमाशय में पेप्सिन व HCl के स्त्रावण को उत्तेजित करता है। अब अमाशय में HCl का स्त्रावण ज़्यादा होगा, HCl एक एसिड है, अगर वो ज़्यादा होगा तो पेट में एसिडिटी होगी, ठीक है ना। तो रेनेटिडिन क्या करता है, अमाशय की दीवार में उपस्थित जो ग्राही है उनको हिस्टामिन के साथ क्रिया करने से रोकता है, अंतर क्रिया करने से रोकता है। इस कारण क्या होता है, अमाशय की दीवारों से ज़्यादा HCl निकलता नहीं है, मतलब HCl की मात्रा कम रहती है और एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो उम्मीद है आप इसका आंसर समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।